सो AWM टॉप 1 पुशिंग में इतने दिन मेहनत करने के बाद हम लोग अपने स्टेट में तो भाई टॉप 1 में आ गए और अभी सही समय भी आ गया है अपनी कंट्री यानी कि इंडिया में भी टॉप 1 आने का। लेकिन भाई ये जर्नी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल रहने वाली है क्योंकि भाई AWM की टॉप 10 की लिस्ट में मोस्ट ऑफ द प्लेयर आपको ग्लिच यूजर देखने को मिलेंगे जो बहुत ज्यादा स्कोर के साथ टॉप 10 की पोजीशन को होल्ड करके बैठे हैं। और भाई सोलो में रैंक पुश करके टॉप 1 की पोजीशन को होल्ड करना बहुत ज्यादा मुश्किल चैलेंज रहने वाला है। लेकिन आप लोग का इतना ज्यादा खतरनाक वाला सपोर्ट देख के हम लोग अपनी पूरी जान लगा देंगे टॉप 1 की पोजीशन को होल्ड करने का। और भाई सोलो में रैंक पुश कर रहे और भाई खतरनाक मैचेस ना जाएं ऐसा तो हो नहीं सकता। सो वीडियो को पूरा का पूरा एंड तक जरूर से देखना और जिसने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप लोग वीडियो को ना लाइक नहीं करते हो, देखो कल की वीडियो पे हम लोगों ने भाई 200 लाइक भी कंप्लीट नहीं किए थे, तो प्लीज यार लाइक कर दो, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सीधा चलते हैं भाई गेम की तरफ। तो जैसे ही मैं गेम में आता हूँ, गेम में भाई गन फाइट से ज्यादा मेरे को मॉन्स्टर ट्रक फाइट देखने को मिलती है और सामने देख सकते हो क्या खतरनाक वाली मॉन्स्टर फाइट हो रही है। और भाई गेम में ना जब से सोलो में रैंक पुश कर रहा हूँ पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि भाई सोलो में थर्ड पार्टी नहीं हो रही है बल्कि भाई सिर्फ मॉन्स्टर फाइट हो रही है। और गेम में इतने ज्यादा मॉन्स्टर ट्रक देख के भाई मैं तो कावरा बावरा हो गया। लेकिन भाई अभी हम लोग चलते सीधा लास्ट वाले जोन में। एयर ड्रॉप से लूट करके मैं जैसे ही जंप करता हूँ विंडो से एक और एनमी जंप करता है, स्नाइपर का एक शॉट कनेक्ट करके MP5 का बॉडी बॉडी मार के इसको एलिमिनेट करता हूँ। आगे बढ़ी होता कि भाई मॉन्स्टर ट्रक वाला एकदम चढ़ा देता है लेकिन पता नहीं कैसे भाई मेरे को बिल्कुल डैमेज नहीं आता। सो पेड़ का कवर लेके मैं यहाँ पर हील अप कर ही रहा था कि एक एनिमी अपना मॉन्स्टर ट्रक लाके पेड़ पे ठोकता है और मैं सीधा उसके मॉन्स्टर ट्रक पे एंटर कर लेता हूँ। एंटर करने के बाद बस मैं यही सोच रहा था कि भाई मेरा फायर बटन का ऑप्शन किधर गया। फटाफट से मैं अपनी सेटिंग को ओपन करता हूँ लेकिन भाई मेरे को किधर भी ना फायर बटन का ऑप्शन ही नहीं मिलता। और भाई मैं पहली बार किसी के मॉन्स्टर ट्रक पे बैठा हूँ लेकिन भाई मेरे को फायर बटन का ऑप्शन ही नहीं मिलता है। तो भाई मैं बैठा रहता हूँ चुपचाप से और भाई मेरे पास सिर्फ 2 सुपर मेडिकिट है। मॉन्स्टर ट्रक देख सकते हो भाई कितना ज्यादा डैमेज हो गया। तो लास्ट वाले जोन में भाई 6 एनिमी अलाइव और मेरे पास सिर्फ 1 किल है। ये वाले गेम में भाई मेरे को स्नाइपर का ग्लोरी तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। और भाई मुझे लगता है ना गैरिना फ्री फायर को फ्री फायर का नाम चेंज करके भाई गेम का नेम मॉन्स्टर फायर रख देना चाहिए। और मैंने तुम लोग से बोला था ना भाई गेम में तुम लोग को गन फाइट से ज्यादा मॉन्स्टर फाइट देखने को मिलेगी और तुम लोग देख ही सकते हो एकदम लास्ट वाला जोन आ गया है और कोई भी भाई गन फाइट नहीं कर रहा है, सबके सब यहाँ पे मॉन्स्टर फाइट कर रहे हैं। और भाई जिस एनिमी के मॉन्स्टर ट्रक में मैं बैठा हूँ ना उसने देखो अपना मॉन्स्टर ट्रक ला के बीच में खड़ा कर दिया है और एक बंदा तो भाई यहाँ पर ओरिन बन गया है। फटाफट से भाई सुपर मेडिकिट लगा लेते हैं। हमारा मॉन्स्टर ट्रक भाई एकदम बीच में है लेकिन मेरे को स्नाइपर से एक आधा किल तो निकालना पड़ेगा और भाई मेरे पास ज़्यादा मेडिकिट नहीं है तो हम लोग भाई हील बैटल भी नहीं कर सकते। तो फटाफट से मैंने एग्जिट कर लिया और यहाँ पर जैसे ही मैं अपनी A124 की स्किल को चालू करता हूँ तो मेरे को 2 किल तो मिल जाते हैं लेकिन इस गेम का मेरे को रिजल्ट नहीं मिलता है। तो फटाफट से हम लोग आ जाते हैं भाई सीधा नेक्स्ट गेम में और लास्ट का एक ही एनमी अलाइव हो। भाई ये वाले गेम में तुमको शॉटगन मिलती नहीं और यहाँ पर मैं लास्ट वाले एनमी को ढूंढ ही रहा होता हूँ कि भाई ये कितने खतरनाक तरीके से यहाँ पे गेम को होल्ड कर रहा होता है। सो फटाफट से मैं अपनी शील्ड को चालू करता हूँ। एनमी का स्किल ब्लॉक, बाइजन का बॉडी बॉडी हो, भाई इसको स्नाइपर से एलिमिनेट करना पड़ेगा ग्लोरी के लिए। सो एक शॉट कनेक्ट करके भाई इसको एलिमिनेट करते हैं और आज का पहला गेम हम लोग बोया करते हैं। हम लोग को 33 का प्लस मिलता है और ये वाले गेम में भाई हम लोग को स्नाइपर का पूरा ग्लोरी मिल जाता है। सीधा हम लोग नेक्स्ट गेम आ जाते हैं और इस वाले गेम में भाई हम लोग को शॉटगन भी मिलती है, स्नाइपर भी मिलती है, शॉटगन की तीनों चिप भी मिलती है और सामने एक एनमी भी मिल जाता है। स्कोप को होल्ड करता ही हूँ कि भाई एनमी अपनी तत्सियों की स्किल को चालू करता है लेकिन 103 का एक शॉट कनेक्ट होता है। सेफ जोन भी श्रिंक हो रहा है सो जल्दी जल्दी सेफ जोन भी कवर कर लेते हैं और वेट करते भाई एनमी के बाहर निकल लेगा। ऑलरेडी एनमी बहुत ज्यादा डैमेज है सो एक शॉट में उसको एलिमिनेट करेंगे और भाई इसी के साथ हम लोग को स्नाइपर का अपना पहला किल मिलता है। और यहाँ पर सामने एक और एनमी को स्पॉट करता हूँ, भाई शॉट बहुत ज्यादा ही मिस होते हैं यहाँ पर। लास्ट के 6 ही एनमी अलाइव है, अभी अभी एक एनमी, अरे 2 एनमी एलिमिनेट हो गए। यहाँ पर मैं स्कोप को होल्ड कर ही रहा होता हूँ कि भाई ये बहुत ज्यादा डैमेज कनेक्ट करता है। सो फटाफट से हम लोग हील अप करते हैं और हील अप किया ही होता है कि भाई यहाँ पर आ जाता है धूम 3 का हीरो और हीरो का हम लोग जैसे स्किल ब्लॉक करते तो भाई वो करता है यहाँ पर जंप व्हीकल से और एनमी का स्किल ब्लॉक है। सो फटाफट से भाई एक शॉट गन का हेडशॉट कनेक्ट करके इसको एलिमिनेट करते हैं, इसके लूट बॉक्स से लूट करते हैं, सीधा आ जाते हैं लास्ट वाले जोन में। लास्ट के 2 ही एनमी अलाइव है, सामने की साइड ना मेरा मॉन्स्टर ट्रक भी खड़ा है। ओके एक शॉट कनेक्ट किया भाई स्नाइपर का और सामने वाले एनमी को देख रहे हो कितने खतरनाक तरीके से स्नाइपिंग कर रहा था। सो हेडशॉट से उसको एलिमिनेट कर दिया। फटाफट से अपने ड्रॉप से लूट कर लेते हो, लास्ट का एक ही एनमी अलाइव है। सो फटाफट से इसको रश करके भाई 1v1 की फाइट को निकाल लेगा, पूरा ट्राई करते हैं। लास्ट
दो ग्रेनेड है, सो ग्रेनेड से भाई डैमेज करें। ओके भाई, लास्ट वाला एनमी जो है एलिमिनेट हो गया और हम लोग को ये वाले गेम में 35 का प्लस मिलता है और हम लोग को शॉर्ट गन और स्नाइपर का वो का पूरा ग्लोरी भी मिल जाता है और हम लोग का 2 का विनिंग स्टिक भी यहाँ पर लग जाता है। सीधा हम लोग नेक्स्ट गेम के लास्ट वाले जोन में आते हैं। लास्ट के 3 ही एनमी अलाइव है और भाई इस वाले गेम में भी ना एक एनमी मॉन्स्टर ट्रक का यूज कर रहा है। सो हम लोग भाई कंटेनर के पीछे गेम को होल्ड करते हैं। भाई इसके मॉन्स्टर ट्रक को फोड़ने का हम लोग ट्राई करना पड़ेगा हमको। ओके चलो भाई, सेफ जोन भी श्रिंक हो रहा है। ओके सामने एक एनमी है, बहुत ज्यादा डैमेज उसने कनेक्ट कर दिया। एनमी का स्किल ब्लॉक है, सो एक ग्लू वॉल लगा लेते हैं और भाई ये मॉन्स्टर ट्रैक वाला यहाँ पर फिर से आ रहा है। ओके भाई, मैंने सारी की सारी ग्लू वॉल लगा दी। एनमी का स्किल ब्लॉक है, इसके पास ट्रोगन है। चलो मॉन्स्टर ट्रैक वाला चला गया, फटाफट से एक सुपर मैड किट लगा लेते हैं। मेरे पास मिनी लॉन्च पैड है, सो यहाँ से स्केप करते भाई हम लोग सेफ जोन के बाहर निकल के आगे गलती से। सो फटाफट से हम लोग को भाई सेफ जोन भी कवर करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी नेलर लगा लेते हैं और भाई इधर बस कोई एनमी ना हो। ओके भाई, शॉर्ट गन से किसी ने डैमेज कनेक्ट किया। सो फटाफट से भाई यहाँ पर सुपर मेडिकिट लगा लेते हैं, वेस्ट रिपेयर कर ली और यहाँ पर भाई एक एनमी ने रश कर दिया। बाइजन का बॉडी वॉडी ग्लूअल लगा ली, उसके ऊपर ना भाई मोको का साइन आ रहा है। सो 2-3 बॉडी शॉट और ज़्यादा कनेक्ट किए, ग्लूअल ब्रेक कर दी। सो वेट करते हैं और बाइजन का बॉडी वॉडी, चलो भाई इसको एलिमिनेट कर दिया। लास्ट के 2 ही एनमी अलाइव है। यहाँ पर जल्दी से इसके लूट बॉक्स से लूट करते हैं। चलो भाई इसके लूट बॉक्स से हम लोग को पोर्टल मिल गया, सो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी हम लोग को सेफ जोन कवर करने में। सेफ जोन भी श्रिंक हो रहा है, सुपर मैट किट लगा ली लेकिन भाई पोर्टल नहीं लग रहा है, इनवैलिड लोकेशन। ओके हम लोग टेलीपोर्ट होके भाई सेफ जोन तो आ गए। लास्ट के 2 एनिमी अलाइव है, मेरे 4 ही ग्लू होल है, 12-13 ग्रेनेड है, सारे ग्रेनेड फेंकते हैं। और भाई इस नूबड़े ने स्काइलर की एबिलिटी को चालू कर दिया। सो हम लोगों ने थोड़ा इधर आके ग्लू वॉल लगा दी। अभी मेरे पास बहुत सारे ग्रेनेड बचे हैं, जल्दी जल्दी ग्रेनेड से डैमेज कनेक्ट करने का ट्राई करते हैं। मेरे को सिर्फ ना एक ही एनमी की लोकेशन पता है, दूसरे वाला एनमी पता नहीं किधर गेम को होल्ड करके बैठा है। सो हम लोग सेफ जोन श्रिंक होने का वेट कर रहे थे, सेफ जोन श्रिंक हो गया। एनमी के ऊपर भाई बाइजन के बॉडी बॉडी कनेक्ट किए और भाई मेरे पास एक लास्ट की ग्लू वॉल बची है, एंटी लॉन्चर का इस्तेमाल कर। ओके भाई इसने भी मेरी स्किल ब्लॉक की और भाई इसने एबिलिटी चालू कर दी स्काइलर की। इन दोनों का फाइट हो गया, एक लैंडमाइन लगा दी थर्ड पार्टी करके। भाई यहाँ पर एक को एलिमिनेट किया और इसको लैंडमाइन से डैमेज आया लास्ट वाले एनमी को। ओके भाई इसके पास तत्सियो और ट्रोगन है, भाई इसने ड्रोन भी चालू कर दिया। ओके मेरी मूवमेंट स्पीड, गन स्पीड सब स्लो। बाइजन का बॉडी बॉडी और भाई इसका सॉल डिजाइन है, फटाफट से इसको फिनिश करते हैं। इसी के साथ भाई आज का हम लोग तीसरा गेम भी बोया कर लेते हैं और हम लोग को भाई इस गेम में स्नाइपर का 99 ग्लोरी मिलता है, 37 का प्लस मिलता है और हम लोग का भाई 3 का विनिंग स्ट्रीक लग जाता है। 3 से ज़्यादा का विनिंग स्ट्रीक भाई मेरा इस सीज़न नहीं लगा है। सो भाई ये वाला गेम हम लोग स्ट्रीक लगाने का पूरा ट्राई करेंगे। सामने एक एनमी है, ओके उसने ग्लू वॉल लगाई बट उसकी ग्लू वॉल लगाने का कोई एडवांटेज नहीं हुआ। सो भाई एक और एनमी पानी के अंदर है, एक शॉट पैन पे लगा, एक शॉट मिस और भाई पीछे से देख रहे उसको थर्ड पार्टी कर रहा है नूबड़ा। फटाफट से सुपर मैट किट लगा लेते, आजा भाई तू जल्दी जल्दी आजा। ओके स्किल ब्लॉक और M10 का बॉडी बॉडी, चलो जल्दी से हम लोग यहाँ पर ग्लू वॉल लगा के पहले शॉटगन रिलोड कर ली। पानी वाला बंदा भाई बाहर निकल के आ गया तो शॉट तो मिस हो गया, सो वेट करते। ओके चलो हम लोग को एक और किल मिल गया भाई स्नाइपर से। अब फटाफट से यानी वॉल को ब्रेक करके एनमी का लूट, भाई इसके पास कुछ भी नहीं है यार, शॉटगन वापस ले ली। और ये देखो भाई मिनी लॉन्च पैड का इस्तेमाल करके आ गया, एक शॉट कनेक्ट किया। ओके भाई वो कवर में चला गया और स्किल ब्लॉकर भी मेरे मुंह पे आके फट गया। सामने की साइड एक एनमी है, लैम्बर्गिनी वाली ग्लू वॉल लगाई है भाई, पोर्टल का इस्तेमाल भी कर रहा है तो हम लोग वॉल थ्रोवर मारते हैं उसकी ग्लू वॉल पे। ओके उसका हेड दिख रहा है, हेड ओके 387 का भाई डार्क शेडो पे क्या ही तो हेड कनेक्ट हुआ और मेरे को यहाँ पे हॉलर जाइन भी मिल गया। लास्ट के 2 एनमी अलाइव है और भाई उन दोनों की फाइट होने का मैं इंतजार कर रहा हूँ लेकिन इस हराम खोर को देख रहे हो मेरे ऊपर ही ग्रेनेड मार रहा है। यार तुम लोग से ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, तुम लोगों ने अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया ना प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो। तुम लोग वीडियो मुझे पता है बिल्कुल एंड तक नहीं देखने वाले हो और अपना फेवरेट पार्टनर यार ज़रूर से कमेंट कर दो क्योंकि अभी के टाइम पे ना मेरे चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आई है जिसकी वजह से यूट्यूब ने भाई चैनल की ऑलमोस्ट 90% रिकमेंडेशन को भाई डाउन कर दिया है। अगर आप लोग भाई लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दोगे तो रिकमेंडेशन को भाई यूट्यूब थोड़े बहुत इंक्रीज करना चालू कर देगा। देखो यार मैं भी तुम लोग के छोटे भाई की तरह हूँ और अगर तुम लोग मुझे सपोर्ट करोगे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तुम लोग देखो भाई मेरी लास्ट 7 डेज का तुम लोग मेरा स्क्रीन टाइम देख सकते हो, मेरा कुछ काम नहीं है भाई, मैं घर वालों से इतनी ज़्यादा गाली खा रहा हूँ। मतलब भाई यूट्यूब पे आता हूँ अपना काम करता हूँ, काई मास्टर पे जाता हूँ एडिटिंग करता हूँ और भाई सिर्फ गेम खेलता हूँ AWM टॉप 1 पुशिंग के लिए। तो भाई मैं इतना ज़्यादा आप लोग को फ्रेश कॉन्टेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ,
सो आप लोग का भी थोड़ा सा तो फर्ज बनता है ना अपने भाई को सपोर्ट करने का। सो लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से लाइक सब्सक्राइब कर दो। लास्ट का एक एनिया लाइव और भाई M10 का बॉडी मार के इसको भी मैंने एलिमिनेट कर दिया। एक और गेम हम लोग बोया करते हैं, हम लोग को भाई 32 का प्लस मिलता है, स्नाइपर शॉटगन का हम लोग को पूरा ग्लोरी मिलता है और भाई हम लोग का 4 का विनिंग स्ट्रीक लग जाता है। ये भाई मेरा हाईएस्ट विनिंग स्ट्रीक है इस सीज़न का। हम लोग आ जाते हैं सीधा नेक्स्ट वाले गेम में और भाई ये वाले गेम में क्या होता है, सामने हमने एक एनिमी को स्पॉट किया, स्नाइपर का एक शॉट कनेक्ट किया, वो जैसे ही नीचे जंप करता है ना सो वो कवर में चला जाता है। मेरे पास एंटी लॉन्चर होता है सो यहाँ पे एंटी लॉन्चर से एक डैमेज कनेक्ट होता है और भाई उसको ना मैं एंटी लॉन्चर से एलिमिनेट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं उसको एलिमिनेट करके आगे बढ़ता हूँ कि एक और एनिमी में सामने स्पॉट करता हूँ, स्नाइपर का एक शॉट कनेक्ट किया, उसके ऊपर मोको का साइन आ रहा होता है तो मैं ट्रोगन लेके चढ़ता हूँ लेकिन वो पैक कर लेता है। सो हम लोग एक ग्रेनेड फेंकते हैं और ग्रेनेड अंदर चला जाता है लेकिन भाई एक एनिमी थर्ड पार्टी करने आता है और भाई ये ग्रेनेड से ही एलिमिनेट हो जाता है मेरे, मतलब ये ग्लूअल खोलता है और मेरे ग्रेनेड से एलिमिनेट होता है और जो एनिमी थर्ड पार्टी कर रहा था ना वो व्हीकल लेके निकलता है लेकिन स्नाइपर का एक शॉट खा के। सो यहाँ पर भाई क्या होता है ना इस वाले गेम में देखना तुम मेरा कितना खतरनाक वाला पोपट होता है। यहाँ पर मैं यूएवी लाइट का यूज़ करता हूँ, ड्रॉप से मेरे को 3 चिप M1014 मिलती है। सामने की साइड में एक ग्लूअल लगाता हूँ, अंदर एक एनिमी गेम को होल्ड कर रहा होता है भाई, उसका सोनिया चालू करता हूँ मैं हेडशॉट मार के तो उसका किल मेरे को मिल जाता है। अब ये वाले एनिमी को देखो भाई M10 का बॉडी मार के मैं इसका अभी देखना M10 पहले रिलोड करते हैं और इसका भाई मैंने सोनिया चालू कर दिया ओके, मतलब ये डाउन हो गया भाई। इसको मैं जैसे ही डाउन करता हूँ मैं ग्रेनेड भी फेंकता हूँ लेकिन यहाँ पर मेरे को किल नहीं मिलता और ये रिवाइव हो जाता है। अब ये नूबड़ा देखना भाई लास्ट में मेरा बोया मेरे से छीन लेगा। ये मैं यहाँ पर भाई वेस्ट रिपेयर कर लिया हूँ और सामने की साइड एक और एनिमी लूट बॉक्स से लूट कर रहा होता है सो एक शॉट कनेक्ट करके भाई मैं उसको एलिमिनेट करता हूँ। लास्ट का वो ही एनिमी अलाइव और भाई वो यहाँ पर क्या खतरनाक वाला तत्सियों का इस्तेमाल करता है सो एक शॉट कनेक्ट किया। फटाफट से यहाँ पर भाई आगे ग्लू वॉल लगाते हैं और शॉटगन रिलोड कर लेते हैं। मैं यहाँ से ऊपर से जैसे ही जंप करता हूँ ना अभी तुम लोग देखना मैं यहाँ पर ग्लू वॉल लगाता हूँ और ये ना ऊपर की साइड हाइट का एडवांटेज लेने निकल जाता है और यहाँ पर मैं शॉटगन ही रिलोड कर रहा होता हूँ कि भाई Mach 7 का क्या खतरनाक वाला हेडशॉट कनेक्ट करता है। और फिर ये वाले गेम में 29 का प्लस लेने के बाद हम लोग को स्नाइपर का पूरा ग्लोरी मिलता है। और फिर मैं आप लोग के साथ एक सीक्रेट शेयर करता हूँ कि अगर आप लोग मेरी वीडियो रेगुलरली वॉच करना चाहते हो या फिर मेरी रैंक पुशिंग की पूरी जर्नी देखना चाहते हो, मतलब जो मेरे मैचेस बहुत ज़्यादा माइनस भी होते हैं बहुत ज़्यादा बेकार भी जाते हैं वो भी देखना चाहते हो, तुम लोग को मेरे सेकंड चैनल पे जा करके देख सकते हो। एक दिन मैं इस वाले चैनल पे वीडियो अपलोड करता हूँ और एक दिन मैं अपने सेकंड चैनल पे वीडियोस अपलोड करता हूँ और अलग अलग कंटेंट अपलोड करता हूँ, तुम लोग जा करके देख सकते हो। सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बस एक बार देख लो वीडियो पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को भी यार लाइक कर देना, चैनल पर नए तो इस चैनल को तो ज़रूर से सब्सक्राइब करना, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करना और अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना।